हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर आपको देखाऊंगा सोनी टीवी हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉब्लम रिपेयर करके, क्योंकि मैं पहले एक वीडियो बनाया जो वीडियो के अंदर ये सेम चैसिस और ये सेम ही ये एक ही टीवी मैं रिपेयर करके आपको दिखाया जो ESD फायरिंग प्रॉब्लम था। तो चलिए, ये टीवी का मॉडल नंबर भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। और ये टीवी आप ये शुरू से वीडियो लास्ट तक देखिए, न्यू टेक्नीशियन को अलग से नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों, ये सोनी जो टीवी है आप देखिए, ये टीवी का ऊपर मैं एक वीडियो बनाया। फर्स्ट इसका ESD फायरिंग प्रॉब्लम था। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट ESD फायरिंग प्रॉब्लम रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद ये प्रॉब्लम शो हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप जो कुछ प्रॉब्लम आएगा सभी तो रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये बैक कवर का पीछे ये जो स्टिकर है आप देख सकते हो कि यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा है स्टिकर का ऊपर, KV1487P1। ठीक है, इस तरह इसका मॉडल नंबर लिखा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये जो सोनी टीवी है, ये टीवी का आज के वीडियो के अंदर जो फॉल्ट रिपेयर करके दिखाऊंगा कि दोस्तों, पहले एक वीडियो में दिखाया कि ये चैसिस का एक फॉल्ट था कि ESD फायरिंग ये पोजिशन से फायरिंग हो रहा था। तो ये पोजिशन को मैं गाम लगा के इस तरह रेडी किया, इसका फायरिंग बंद हो गया। ठीक है, और उसका बाद जो फॉल्ट आया ये हॉरिजॉन्टल लाइन फॉल्ट है। चलिए मैं सप्लाई दे के आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं सप्लाई दे दिया। ठीक है, सप्लाई देने के बाद स्क्रीन का अंदर देखिए किस तरह लाइट आता है। अब ध्यान दीजिए। तो दोस्तों देखिए, इस तरह लाइट आ रहा है। तो दोस्तों, ये लेफ्ट और राइट साइड ये जो ट्यूब लाइट जैसा, तो दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। ठीक है, तो अलग अलग नॉर्मल PCB मैं आपको रिपेयर करके दिखाया जिस तरह। तो दोस्तों, ये आसान तरीका क्या है, किस तरह इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन वर्टिकल सेक्शन का कौन पार्ट फॉल्ट हो सकता है। चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई को मैं ऑफ किया। ऑफ करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको पहले वो वीडियो के अंदर दिखाया कि ये जो ESD देखिए, ये ESD का ओनली एक फाइनल एनोड है। ये जो वायर देखिए, ESD जो फाइनल एनोड जो कैप पिक्चर टीपर चला गया, बट इसका अंदर और कुछ भी वायर नहीं है। जो स्क्रीन कंट्रोल, फोकसिंग कंट्रोल, कुछ भी इसका अंदर नहीं है। अब देख सकते हो कुछ भी नहीं है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए, 3, 4, 5 वायर है। यह से 180 वोल्ट, ठीक है, और स्क्रीन कंट्रोल, फोकसिंग कंट्रोल ये बेस बेड पर चला गया। ठीक है, और दोस्तों ये जो चारों पॉइंट है ये योक कॉइल का, ठीक है, देखिए चारों, ये वर्टिकल का और ये हॉरिजॉन्टल का। तो वर्टिकल सेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करें, तो दोस्तों ये जो दो वायर है ये वर्टिकल का, ठीक है, और ये जो गैप देखा जाता है ये हॉरिजॉन्टल का। तो ये जो योक कॉइल है यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो इसका साथ कौन सेक्शन कनेक्शन है आप देखने के बाद पता चलेगा कि कौन सा वर्टिकल सेक्शन है। कुछ भी वायर टूटा फूटा नहीं है। तो दोस्तों अच्छा करके देखने के बाद जो पता चलेगा कि ये जो साइड हीटसिंग है, इसका अंदर ये जो IC है ये वर्टिकल IC है। तो ये वर्टिकल सेक्शन है। तो स्टेप बाय स्टेप सभी दिखाऊंगा, बट ये PCB के अंदर कुछ भी PCB हो सकता है। अच्छा करके देखना पड़ेगा, देखने के बाद कुछ भी टूटा फूटा जला हुआ पार्ट्स नज़र में आएगा तो फर्स्ट वो पार्ट्स को चेंज करके फर्स्ट चेंज का मैं करता हूँ। तो इसी तरह दोस्तों, यहाँ पर एक कैपेसिटर हल्का सा फूला हुआ लग रहा है। तो दोस्तों ये 180 वोल्ट लाइन का कैपेसिटर है। तो फर्स्ट ये कैपेसिटर का एक बार चेंज करूँगा और उसके बाद उसका जो अलग फॉल्ट है वो मैं रिपेयर करूँगा। तो चलिए, ये कैपेसिटर कौन पोजिशन पर है और ये आपको PCB उल्टा करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अब लास्ट तक वॉच कीजिए। स्टेप बाय स्टेप जो हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉब्लम वो कैसे रिपेयर किया जाता है सब कुछ। फाइनली दोस्तों, ये पोजीशन जो कैपेसिटर था, मैं ये कैपेसिटर ओपन किया। ओपन करने के बाद एक कैपेसिटर लगाया और ये कैपेसिटर देखिए एक टंग पूरा टूट गया। इस तरह इसका हालत हो गया और ऊपर पोजीशन आपको जो देखा है ये हल्का सा फूला हुआ लग रहा था ऊपर से, तो ये चेंज किया। और ये कैपेसिटर का वैल्यू आप देखिए, 160 वोल्ट और 33 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। तो दोस्तों चलिए, यहाँ पर मैं अलग सा कैपेसिटर, तो दोस्तों ऑलरेडी लगाया, ठीक है, यहाँ पर कैपेसिटर मैंने लगाया और वीडियो को थोड़ा सा मैं कट कर दिया क्योंकि मैं आपको मेन जो फॉल्ट है वही आपको रिपेयर करके देखूंगा। तो ये कैपेसिटर आप 47 माइक्रोफेराड लगा सकते हो, ठीक है, मैं 22 माइक्रोफेराड लगाया। तो और ये वोल्टेज वैल्यू 160 वोल्ट आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो 110 वोल्ट लाइन का वो कैपेसिटर है। तो चलिए, ये कैपेसिटर लगाने के बाद यहाँ पर कितना वोल्ट मिलेगा और मिलना चाहिए ये भी एक बार चेक करके देखना पड़ेगा।
तो आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए, मैं सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। तो सप्लाई दे दिया, देने के बाद आप स्क्रीन पर भी एक बार फॉलो कर सकते हो कि इसका मेन फॉल्ट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉब्लम, मतलब वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर किया जाता है वो ये वीडियो के अंदर देखाऊंगा। बर्दोस्त ये सोनी का चासिस है, थोड़ा सा इसको दिमाग लगा के करना पड़ेगा, ठीक है। और चलिए फर्स्ट ई एस टी सप्लाई कितना आ रहा है। ई एस टी सप्लाई वोल्ट अभी मीटर पर जो शो आ रहा है 115 वोल्ट का आसपास, तो मतलब ई एस टी सप्लाई ओके है, ठीक है। तो चलिए उसका बाद जो मेन फॉल्ट है वो आपको रिपेयर करके देखूंगा, ठीक है दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखूंगा। मेन प्रॉब्लम जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये कैसे टेस्ट किया जाता है। बहुत वीडियो के अंदर आपको बात है जो वर्टिकल आईसी होता है, तो दोस्तों इसका ये वर्टिकल आईसी है, ठीक है। तो ये पता कर सकते हो, देखिए यहाँ पर जो ये हॉरिजॉन्टल का पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल का पॉइंट है और नीचे ये दो वर्टिकल का। तो ये दो लाइन को अच्छा करके ट्रैक करने के बाद पता चलेगा कि यहाँ सीधा एक जम्पर है और ये जो लाइन जा रहा है इधर आ रहा है, तो दोस्तों ये वर्टिकल आईसी है, ठीक है। तो वर्टिकल आईसी को इस तरह आपको टच करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ये वर्टिकल आईसी है, इस तरह आपको टच करके देखना पड़ेगा और स्क्रीन पर फॉलो करना पड़ेगा। तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, तो इस तरह मैं टच कर रहा हूँ और स्क्रीन पर आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए, मैं एक हाथ से टच करूँगा और आपको दिखाता हूँ इसी तरह दोनों एक साथ। देखिए आईसी के अंदर मैं टच कर रहा हूँ बट स्क्रीन के अंदर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। अब देखिए कुछ भी रिस्पॉन्स स्क्रीन के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब जो है ये आईसी खुद फॉल्ट हो सकता है और आईसी का जो आउटपुट सेक्शन, ये सेक्शन का फॉल्ट हो सकता है और आईसी का सप्लाई फॉल्ट हो सकता है। मतलब आईसी पर सप्लाई नहीं आएगा तो आईसी वर्किंग मोड पर नहीं जाएगा, तो टच करने के बाद कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और आईसी शॉर्ट हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा, तो तब भी आउटपुट पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और आईसी ओके होगा तब भी आउटपुट सेक्शन फॉल्ट होगा, मतलब वर्टिकल का जो आउटपुट सेक्शन फॉल्ट होगा तो तब भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो चलिए, तो वर्टिकल ये जो ईओ कॉल का पॉइंट है यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, पूरा जीरो है। तो दोनों पॉइंट पर चलिए टच करके देख लेता हूँ, कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो उसका बाद क्या चेक करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो वर्टिकल आईसी है, वर्टिकल आईसी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ कि ये जो वर्टिकल आईसी का नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये वर्टिकल आईसी का ये सात पिन का वर्टिकल आईसी है, 1 2 3 4 5 6 7, बट यहाँ पर 8 पिन लग रहा है। आप अच्छा करके फॉलो कीजिए, ये वर्टिकल आईसी 7 पिन का है बट दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 पिन लग रहा है। आप अच्छा करके देखिए, एक्चुअली दोस्तों ये 8 पिन का आईसी नहीं है, 7 पिन का ही आईसी है। यहाँ से यहाँ तक एक डायोड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक डायोड है और इसका 6 नंबर पिन पर ये सप्लाई पिन है। तो दोस्तों ये 7 नंबर पिन और इसका नीचे ये 6 नंबर पिन, ये 6 नंबर पिन पर कितना वोल्ट, तो दोस्तों देखिए 0 वोल्ट है, कुछ भी वोल्टेज नहीं है इसका 6 नंबर पिन पर। तो दोस्तों ये लाइन को अच्छा करके देखना पड़ेगा, ये जो लाइन देखिए यहाँ पर कनेक्शन है, ये जो डायोड है, ये डायोड का ये लाइन का साथ कनेक्शन है, तो यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों इसलिए देखना पड़ेगा कि ये वोल्टेज कहाँ से आ रहा है। तो ये लाइन इधर चला गया, इधर एक पी सेट है, तो ये बहुत क्रिटिकल सर्किट लग रहा है, बट अच्छा करके देखने के बाद पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक एक जम्पर है। तो यहाँ से यहाँ तक जो जम्पर है, तो चलिए मैं मीटर को यहाँ पर रखता हूँ। तो ये जो जम्पर है, ये जम्पर पॉइंट पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों ये जो लाइन जा रहा है बीच में एक डायोड है, देखिए, तो डायोड का ये पिन पर वोल्टेज आना चाहिए, यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं है। बट दोस्तों डायोड के ये साइड एसी वोल्ट आता है, इसलिए यहाँ पर भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो और उसका पहले दोस्तों एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद ईएसटी का ये पिन से वोल्टेज निकलता है। तो यहाँ पर भी वोल्टेज दोस्तों देखिए कुछ वोल्टेज आने के बाद चला जाता है क्योंकि यहाँ पर एसी वोल्ट होता है। चलिए मैं मीटर को एसी रेंज पर एक बार सिलेक्ट करके देखता हूँ कि वोल्टेज आता है कि नहीं। तो दोस्तों मीटर तो गड़बड़ लग रहा है, क्या फॉल्ट हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार मैं इसी तरह टेस्ट करता हूँ क्वांटिटी मूड पर रख के, ठीक है। तो चलिए मैं इसलिए सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई को ऑफ किया, ऑफ करने का बाद
आपको मैं दिखाना चाहता हूँ क्लियर करके कि ये जो पोजीशन है आप फॉलो कीजिए। मैं आपको लाइव ही दिखाने के लिए कोशिश करूँगा कि ये पोजीशन क्या है। तो दोस्तों मैं कैमरा को थोड़ा सेट किया और देखिए ये जो लाइन जा रहा है ESD से जो सप्लाई, देखिए ये कॉन्टिन्यूटी कनेक्शन है और उसका पहले एक रेजिस्टेंस है। दोस्तों देखिए ये रेजिस्टेंस मतलब 2.21 ओम्स के आसपास इस तरह रेजिस्टेंस मिलता है, लगता है ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया। क्यों ओपन हो गया इसका आउटपुट पर भी एक बार चेक करना पड़ेगा। इसका आउटपुट क्या है, ये जो डायोड है यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन है तो ये डायोड को भी चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये डायोड देखिए शॉर्ट बता रहा है, आप अच्छा करके देखिए ये डायोड शॉर्ट ये मीटर पर शो हो रहा है, पूरा बाजर बाज रहा है और ये सप्लाई जो जा रहा है ये नीचे चला गया और यहाँ से नीचे जम्पर है। आप देख सकते हो ये जम्पर लाइन ओके है और ये जो डायोड है ये IC का ये एक्साइट कनेक्शन है। तो ये डायोड ये पोजीशन का डायोड शॉर्ट नहीं है। बट दोस्तों ये जो शॉर्ट है ये दो नंबर पिन ये 6 नंबर पिन के साथ एक बार नेगेटिव के साथ चेक करना पड़ेगा। दोस्तों 6 नंबर पिन के साथ नेगेटिव शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि IC शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी वो डायोड और रेजिस्टेंस शॉर्ट हो सकता है। बट दोस्तों ये लाइन शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो ये और क्या करना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस तो चेंज करना पड़ेगा और ये डायोड को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक बार घुमा के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो पोजीशन है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक डायोड है। आपको फिर भी दोबारा दिखाता हूँ। देखिए ये जो डायोड है ये देखिए ये डायोड शॉर्ट है और ये रेजिस्टेंस देखिए कुछ भी कॉन्टिन्यूटी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगाऊंगा और ये डायोड चेंज करूँगा। तो ये वर्टिकल सप्लाई का डायोड ये मैं आप 10J लगा सकते हो, 159 डायोड लगा सकते हो, इसी तरह डायोड आपको लगाना पड़ेगा। और चलिए ये रेजिस्टेंस मैं 2.2 ओम्स हाफ वाट 2 वाट मैं देखता हूँ मेरे पास कौन सा रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस और डायोड लगाने के बाद देखूँगा कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए डायोड को ओपन किया और ये देखिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस ये मैं ओपन किया, ठीक है। तो दोस्तों बहुत पीसीबी के अंदर देखा जाता है इसी तरह छोटा रेजिस्टेंस मतलब क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस लगाएगा तो वो भी काट जाता है, जल जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर गिर गया, हो सकता है दोस्तों कॉयल है। तो देखिए मेरा मैं ये 2 वाट का रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, और ये डायोड भी लगाया। चलिए आपका सामने मैं कनेक्शन करूँगा, अभी कनेक्शन नहीं किया, कनेक्शन करके सप्लाई देके भी देखूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए तो दोस्तों आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए क्योंकि PCB का बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूँगा, कुछ इम्पोर्टेंट वोल्टेज भी आपको देखूँगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ये रेजिस्टेंस और डायोड को कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये डायोड रेजिस्टेंस को मैं सोल्डरिंग किया। तो चलिए अभी सप्लाई देख के देखूँगा, मीटर मैं सेट कर लेता हूँ, वोल्टेज के बार टेस्ट करके देखूँगा, ठीक है। तो दोस्तों मीटर तो अभी बहुत गड़बड़ लग रहा है, क्या हो गया मीटर को, लगता है मीटर को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, मीटर का नेगेटिव कॉर्ड में पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव के साथ कनेक्शन कर देता हूँ। और चलिए दोस्तों सप्लाई देके देखता हूँ कि वोल्टेज आता है कि नहीं, ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज आता है कि नहीं। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए दोस्तों सप्लाई आ गया 23 वोल्ट वर्टिकल सप्लाई आ गया। दोस्तों देखिए 23 वोल्ट यहाँ पर वर्टिकल सप्लाई आ गया और स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए। देखिए दोस्तों लाइट भी आ गया है,
देखिए लाइट भी आ गया, ठीक है। लगता है अभी वीडियो भी आना चाहिए। तो चलिए ये पीसीबी का कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन का वोल्टेज आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका वर्टिकल सप्लाई वोल्टेज तो आप देख ही लिया होगा, 23 वोल्ट वर्टिकल सप्लाई। और ईआईसी का जो ये वर्टिकल का आउटपुट पर कितना वोल्ट आना चाहिए देखिए, इसका हाफ वोल्ट जैसा देखिए 14 वोल्ट वर्टिकल इक्वल पॉइंट पर 14.56 वोल्ट, ठीक है। तो खुद ही एक बार देख लीजिए, एक नंबर पिन 0 वोल्ट, दो नंबर पिन 14.8 वोल्ट, तीन नंबर पिन 0.2 वोल्ट, चार नंबर पिन 0.78 वोल्ट के आसपास, और ये एक दो तीन चार पाँच नंबर पिन पर 0.8 वोल्ट के आसपास, सिक्स नंबर पिन इसका सप्लाई है, और इसका सेवन नंबर पिन 1.2 वोल्ट, ठीक है। इस तरह वर्टिकल आईसी वोल्ट।